जब जवाल की आंधी चलती है तो फिर चीजों को समेटने का वक्त नहीं रहता, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब कोई सल्तनत जवाल की कैफियत में होती है तो मजाहमतों और बगावतों से खौफ जदा हो जाती है। 18वीं सदी इंकलाबाद की सदी थी। 8 जनवरी 1718 को ठट्टा के इलाके झोंक शरीफ में सूफी इनायतुल्लाह शाह फकीर की इश्तराकी बस्ती को नीस्तो नाबूद करने के लिए मुगल बादशाह के कारिंदों ने सुलह के नाम पर धोखा देकर शाह साहब को शहीद किया, जिसके बाद ठट्टा शहर में इंसानियत की भलाई और शऊर से लेस करने वाले सर मुबारक को नेजे पर घुमाया गया और दिल्ली के मुगल शहनशाह की दरबार में पेश किया गया। 9 जनवरी 1718 को ठट्टा शहर में 24,000 किसानों का कत्ल किया गया। इसी सदी में जर्मनी में 30,000 किसानों का कत्ल हुआ। इनके अजीम किसान रहनुमा कॉमरेड जेम्स, जो के मुल्क से बाहर थे, इनको सुलह के नाम पर बुलाकर कत्ल किया गया। और इसी सदी में 1789 में फ्रांस में बादशाहत के खिलाफ अवामी इंकलाब आया तो लोइस डहम का सर कलम करके पेरिस की गलियों में नेजे पर घुमाया गया। इनायतुल्लाह शाह ने लोगों को आजाद कराने की खातिर जो बोए वो खाए का नारा बुलंद करके पहली मिसाल खुद अपने खानदान की जागीर में कायम की, जहां रंगो नस्ल जात और मजहब से बालातर सब इंसान बराबर थे। जागीरदारों के जुल्म के सताए हुए मजलूम इंसानों ने झोंक का रुख किया और देखते ही देखते झोंक में हजारों खानदान बस गए। इनायतुल्लाह शाह की ये इश्तराकी बस्ती जागीरदारों को न भाई, इसलिए इनकी अकीदा परस्ती, खानकाह शाही और पीर परस्ती की जड़ें उखड़ने लगी और इनके तख्तो ताज हिलने लगे। 1716 में नवाब आजम खान को ठट्टा का नाजिम बना दिया गया, जो शाह इनायतुल्लाह का सख्त दुश्मन था। एक तरफ मुल्लाओं से कुफर का फतवा जारी करवाया गया तो दूसरी जानिब अपनी और इलाके के जागीरदारों की मुसल्ला फौज को इकट्ठा करके 12 अक्टूबर 1716 को झोंक पर हमला करवा दिया गया। उस वक्त दिल्ली के पाए तख्त पर मुगल सल्तनत के बादशाह फारूक सयार तख्त नशीन थे। जब बादशाह के आलाकारों ने झोंक शरीफ पर हमला किया तो इनायतुल्लाह शाह के मुसल्ला तरबियत याफ्ता मुहाफिजीन खंदकें खोदकर इसमें महफूज होते थे और हमलावरों को शबखून मारते थे। वो मुसलसल इस तरह शबखून मारकर दुश्मनों को भारी माली और जानी नुकसान पहुंचाते रहे, जिसके नतीजे में इनके हौसले पस्त हो गए। 3 माह तक किसानों के खिलाफ मुगल शाही की फौज मुसलसल जंग करके जब झोंक को फतह न कर सकी तो साजिश का सहारा लिया गया। बादशाह के मुसल्ला गुंडे सफेद झंडे लेकर कुरान करीम को जामिन बनाकर सुलह करने के बहाने धोखे और फरेब से शाह इनायतुल्लाह को झोंक से नाजिम के दरबार में लाए, जहां अहद शिकनी करते हुए गिरफ्तार करके शाह साहब को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी गईं। उन्होंने शाह साहब को हुकूमत में हिस्सा देने और बेश बहा फवायद देने की पेशकश की, जिसे सूफी शाह इनायत शहीद ने ठुकरा दिया। इसके बाद सैयद इनायतुल्लाह शाह फकीर के सामने भाई और भतीजे को कत्ल किया गया, फिर भी वो झुकने और बिकने को तैयार न हुए, जिसके बाद शाह साहब ने दिलेरी से मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरे नजरियात और मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज हैं। मैं मौका परस्ती, बेउसूली और बुजदली की जिंदगी से दुखों, अजाबों और बहादुरी की मौत को 100 बार बेहतर समझता हूँ। बिलाखिर किसानों के अजीम रहनुमा सूफी शाह इनायत का 8 जनवरी 1718 को सर मुबारक कलम करके ठट्टा शहर की गलियों में घुमाने के बाद सर को नेजे पर चढ़ाकर दिल्ली के शहनशाह फारूक सयार को भेजा गया। दूसरे रोज 9 जनवरी को झोंक पर बादशाह और वडेरों के आलाकारों ने हमला करके इसे जलाकर नीस्तो नाबूद कर दिया और तकरीबन 24,000 बेकसूर इंसानों को कत्ल करके खून की नदियां बहा दी गईं। सूफी इनायतुल्लाह सिंधी और मुसलमान थे, जबकि कातिल भी सिंधी और मुसलमान ही थे, और ठट्टा में जिन 24,000 किसानों को शहीद किया गया उनमें से सभी सिंधी और ज्यादातर मुसलमान थे। इससे यह साबित होता है कि तबकाती लड़ाई रंग नस्ल जात मजहब और कौम से बालातर होती, बाकी तमाम लड़ाइयां इंसानों को तकसीम करने, फिरकावारियत में बांटने और तबकाती लड़ाई से दूर करने की साजिशें होती हैं। जाबिर हुक्मरानों के हाथों शाह इनायत कत्ल हुए, इनकी खानकाह उजाड़ दी गई, इनके पैगाम को दबाने की कोशिश की गई ताकि जागीरदारी खतरे में न पड़े, लेकिन तारीख ऐसी चीज है जो खुद ही इंसाफ कर डालती है। शाह इनायत आज भी सिंध के पिसे हुए तबकों के लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन शहदाद खान, तालपुर, आजम खान और साजिश
سازش میں شامل دیگر لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج بھی صوفی شاہ عنایت کا پیغام جاگیرداروں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اور استحصالی نظام میں حق کا نعرہ مستانہ ہے۔ مستانہ، مستانہ، مستانہ،